सस्टेनेबिलिटी में एक बार समय लगता है अच्छा और निवेश में पैसा लगता है अच्छा, बट वो लॉन्ग टाइम रिकरिंग रेवेन्यू देता है। हमारी एकदम प्रॉपर तरीके से अगर लग गई ना तो ये अगले 10 साल तक विदाउट टेंशन चलेगी। ये तो प्रहलाद भाई जिस हिसाब से अब जो हो चुका है ना, बस इसको ऐसे में ही प्लान करना है। अब यहाँ पर एक रुपया खर्च नहीं करवाना है इनका, जितना इन्होंने कर लिया ये बहुत है। ये जो इतना स्लोप है इस स्लोप में भी लगा देना है, ऐसे ही लगा देनी है। हाँ, इस स्लोप से छड़ा नीचे आ जाएगा ना यहाँ से जस्ट, क्योंकि फिर उसमें जरूरी नहीं है कि वो 125 फीट हो। ठीक है, स्लोप से इधर ही 150 ही फीट है तो 150 फीट का चलेगा छड़ा, यहाँ से फिर इधर से चले जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसमें क्या है, हमारा पाइप ज्यादा लगेगा। उस स्लोप से यहाँ तक आया, उसके बाद ये लाइन है ऐसे यू पैरेलल ले रही है, क्योंकि अभी अब इनको यहाँ पर और कुछ करना चालू किया तो समय लगने वाली चीज है और बारिश आ गई है। बारिश आ जाएगी और कहीं बाबा रामदेव का कुछ बजट आ जाएगा। रेगिस्तान को पुनः राजस्थान बनाना है तो ओटू साथ में रहेगा और ओटू की पूरी टीम भी साथ में है। यस, जो रेगिस्तान राजस्थान बनना चाहता है वो सारा रेगिस्तान हमसे जुड़ ले, ओटू के साथ मिल ले, ग्रीनरी ग्रीनरीफिकेशन हरियाली इन सब में हम आगे बढ़ी रहे। ये लास्ट कॉर्नर आ गया आपका और ये भी आगे रिपेयर होगा आगे तक, नीचे के पैच हो चुके हैं। ये बाउंड्री आ गई, ये जो पिलर लगे हुए हैं ना ये बाउंड्री आ गई। इसको तो ठीक करा लेंगे, ये जो थोड़ा बहुत है इसको तो ट्रैक्टर घूम जाएगा। हाँ, इसको भी लेना है, इसलिए मैं बोल रहा था ये जो पोर्शन है ना, ये छोटे मोटे टीले पीले हैं, ये तो सब ठीक होकर के लेवल हो जाएंगे प्रहलाद भाई। ये तो एक दिन यहाँ जेसीबी आएगी इसको ठीक करके जाएगी। तो ये भी पोर्शन बड़ा है, वो अंदर तक है, वहां से ये पूरा का पूरा पोर्च है। हाँ बिल्कुल निकल, नहीं इतना नहीं जाएगा, ये राजस्थान ग्रीनरी होना है तो ओटू माई अड्डा पर बने रहिए, गूगल पे यूट्यूब चैनल पर, और हरियाली के साथ चलिए। थैंक यू।